उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कोचिंग पढ़ाकर घर जा रहे छात्र पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। विद्यालय के आरोपी कर्मचारी को बचाने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने पीड़ित छात्र पर इंटर की छात्रा से झूठा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। छात्रा ने 164 के बयानों में घटना से इनकार किया था। पीड़ित छात्र ने कोर्ट की शरण लेकर आरोपी स्कूल प्राचार्य और आरोपी हमलावर पर कार्यवाही की मांग की। 156(3) के तहत कोर्ट ने आरोपी प्राचार्य और हमलावर आरोपी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्राचार्य रणवीर सिंह चौहान पर आरोप है कि कर्मचारी को बचाने के लिए पीड़ित छात्र के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाने का गंभीर आरोप है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज का मामला। एक विद्यार्थी था, चित्रकूट इंटर कॉलेज में सौर मौर्या अनुसूचित जाति का पढ़ता था, उसको कुछ लड़कों ने मारा। जब ट्यूशन पढ़ के जा रहा था तो उसको चाकू से, उसके और साथी पढ़ के आ रहे, जब वो बचाने के लिए दौड़े तो उनको भी मारा। अभी सब घायल के अस्पताल गए, इसकी एफ आई आर लगाई गई। तो प्रिंसिपल साहब को जब मालूम होगा कि उनके एक खास आदमी के लड़के की FIR हो गई है, तो प्रिंसिपल साहब ने अपने विद्यालय की किसी लड़की को फोन करके बुलवाया और उससे बोल बोल करके एक कहानी झूठी लिखवाई और उन मुलजिमों के खिलाफ जो मार खाए थे उनको फंसाने के लिए उन्होंने उससे FIR और जब पुलिस ने उस लड़की से, उस छात्रा से बयान लिया तो उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं, प्रिंसिपल साहब जो कह रहे थे वही हमने लिख दिया, हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई। उसने मजिस्ट्रेट सामने बयान तो जब इस सौर को मालूम हुआ, उसके पास नोटिस आई, पता चला कि उसके खिलाफ मुकदमा इस तरह कायम हो, तो पता लगाया वो, तो उसमें सारे रिकॉर्ड थे पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट सामने उस लड़की ने बयान दिया थे कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे जैसा बोला लिख दिया, अब मैंने लिख दिया, मैं कहीं थाने में FIR कभी नहीं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। शिक्षण संस्थानों के जो आचार्य हैं उनको ये शोभा नहीं देता कि किसी को फंसाने के लिए आप एक साजिश रच के किसी को धोखे में रख करके FIR लिखाते हैं। इसी बात को जब जज साहब के सामने रखी गई तो उन्होंने पाया कि बहुत गंभीर घटना हुई है इस तरीके की, तो उन्होंने FIR के आदेश कर दिया। कहाँ? कोतवाली में दे? हाँ, कोतवाली में कागज पहुंच गया, न्यायालय ने आदेश किया और वो आदेश कोतवाली चला गया। उनको 7 दिन का समय दिया गया, इस बीच आप FIR लिख करके काफी भेज दी। इस तरीके के FIR और हमने उसकी मदद किया ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क के कारण। तो हमारा इसमें यही कहना है कि आप इसकी विवेचना करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।